नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़वा न्यूज। प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा जिले के कांडी पुलिस ने जयनगरा गांव के सामने कोयल नदी से सोमवार को अवैध रूप से बालू का उठाव करते 3 ट्रैक्टर को जब्त कर थाना ले गई। 2 ट्रैक्टर पर बालू लोड था जबकि 1 खाली था। इस अभियान में कांडी व मझियाव थाना की पुलिस शामिल थी, जिसका नेतृत्व पुलिस इंस्पेक्टर राजीव कुमार कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि सभी 3 ट्रैक्टर पर अवैध बालू लदा था। बालू लदा 1 ट्रैक्टर जो कोयल नदी में फंस गया था, जो बाहर नहीं निकल रहा था। अंत में जेसीबी को मंगाकर बालू को अनलोड किया गया, तब उसे थाना लाया गया। पुलिस ने गुप्त सूचना पर जयनगरा गांव के सामने कोयल नदी से अवैध तरीके से बालू उठाव करते छापामारी कर उक्त 3 ट्रैक्टर को जब्त की है। जब्त 3 ट्रैक्टर उसी गांव का बताया जा रहा है। मदद के लिए आगे आए 3 ट्रैक्टर मालिकों को महंगा पड़ गया किसी को मदद करना। गांव की ही गरीब बेसहारा व विधवा महिला गीता कुंवर ने बताया कि मेरे कहने पर उक्त 3 ट्रैक्टर मालिकों ने मदद के रूप में कॉलोनी बनाने के लिए नदी से बिना पैसा लिए बालू गिरा रहे थे। उसने बताया कि मेरे पति असरफी मेहता की मृत्यु जुलाई 2019 में वज्रपात से हो गई थी। उसके बाद सरकार ने मदद के रूप में मुझे कॉलोनी दी है, जिसे बनाने के लिए गाड़ी मालिक के गोड़ हाथ पड़कर मुफ्त में बालू गिरवा रही थी, लेकिन प्रशासन ने आकर सभी गाड़ी को पकड़कर ले गई। 2 ट्रिप बालू गिर गया था। ग्रामीणों ने बताया कि प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने पत्र जारी कर सभी पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि निर्माण कार्य के लिए सामग्री ढोने वाले वाहनों को पुलिस नहीं रोक टोक करेगी। फिर भी ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया। इस संबंध में थाना प्रभारी राम अवतार ने बताया कि बालू लदा जब्त 3 ट्रैक्टर किसका है अभी पता नहीं चल सका है। गाड़ी के चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। जांच पड़ताल चल रही है, इसके बाद आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। इस छापेमारी में एसआई विजय मिश्रा, एसआई नकी इमाम खान सहित कई पुलिसकर्मी शामिल थे।